अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में खुश और शाद आबाद होंगे। आज मैं नया प्रोजेक्ट लेके हाज़िर हुई हूँ। ये एक्चुअली बेबी बॉडी सूट है। ये पूरा ऐसे, ये देखिए ऐसे बना हुआ है। ये 0-3 साइज़ के बच्चे के लिए ठीक होगा। एक्चुअली मैंने शॉप बाज़ार से साइज़ को चेक करने के लिए ये एक 0-3 साइज़ का ये बेबी बॉडी सूट लिया था। ये देखें, क्योंकि ये बच्चों ने पहना होता है। और ये पाँव, ये इसके पाँव बंद हैं, लेकिन मैंने इसको आगे से ऐसे ऊपर रखा है ये इसके। और ये इसके स्लीव्स हैं, स्लीव्स मैंने थोड़े से बड़े बनाए मुझे ये, क्योंकि ये तो आप ऐसे भी फोल्ड कर सकते हो ना। इसी तरह अगर यहाँ से भी है तो यहाँ से नीचे भी फोल्ड हो सकता है। थोड़ी सी चीज़ बच्चों के बड़ी ही होनी चाहिए। ये 0-3 साइज़ है, ये देखें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये 0 से लेके 3 मंथ तक के बच्चे के बिल्कुल पूरा होगा। ये इसके बाजू और ये इसकी बैक साइड। इस तरह अगर आप छोटे बच्चों को पहनाते हो तो इसको बच्चों को पकड़ना बहुत इजी हो जाता है ना, उसको संभालना, होल्ड करना। वरना ब्लैंकेट में संभालना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए ये बॉडी सूट, आप इस तरह का कोई भी कॉटन का पूरा बॉडी सूट पहना के ऊपर से ये पहना दो। सर्दियों में बच्चा वॉर्म आपको पकड़ते हुए ब्लैंकेट में बच्चे को ऐसे फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी टोटल लेंथ देख लेते हैं। ये टोटल 22 इंच इसकी लेंथ हुई है, ठीक है। और अगर आपने ये पूरा बेबी बॉडी सूट नहीं बनाना तो आप ऐसा करो, यहाँ से यहाँ तक ट्राउज़र बना लो सेपरेट जैसे मैंने सिखाया, और फिर ऊपर से आप यहाँ से यहाँ तक इसकी सेपरेट वो बॉर्डर डाल के कार्डिगन भी बना सकते हो। ये आपकी अपनी चॉइस है। तो ये मैंने इस दफ़ा पूरा ही बॉडी सूट बना दिया। उम्मीद करती हूँ आपको लाइक हुआ होगा। अगर आपको लाइक हुआ है तो लाइक भी करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि अब आने वाले प्रोजेक्ट आप तक पहुँच सके। इसके लिए जो मैंने वूल ली थी, ये बेबी डीके वालों की है। ये ज़रा थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं, और लेकिन इसको वूल काफ़ी लगी है, क्योंकि ये पैटर्न कुछ ऐसा है, उबरा उबरा मोटा है, तो इसको वूल ज़्यादा लगी है। ये मैंने 3 बॉल लिए थे 100 ग्राम के, और इसमें से 2 तो ये यूज़ हो गए हैं और ये बचा है जिससे कि मैं टोपी बनाऊंगी। तो यानी कि अगर आपको ये ऐसी चीज़ बनानी है तो आप सोचिए कि ये मोर देन 250 ग्राम तक की आपको वूल चाहिए होगी। और अगर साथ में मेरी तरह टोपी बनानी है तो 300 ग्राम तक आप ले लीजिएगा वूल। तो चले अब हम इसको सीखते हैं। मैंने इसका एक ये पाँव एक लेग का ये बना के रखा हुआ है, पाँव से बॉटम से मैंने ये इसमें ये किया कि मैंने 44 स्टिचेस डाले हैं। और उसके बाद यहाँ जब बॉर्डर ख़त्म हुआ तो मैंने यहाँ 4 स्टिचेस बढ़ा लिए, और फिर इसका डिज़ाइन ऐसे इधर साइडों से बढ़ाती चली गई। और ये मैं दूसरा जब मैं इसका बनाऊंगी बॉटम का हिस्सा तो मैं आपको साथ साथ सिखाती हूँ। ये मैंने 44 स्टिच डाल के इतना बॉर्डर बना लिया है, लेकिन इसकी एक अभी सिलाई रहती है, वो मैंने सोचा आपके साथ बनाऊंगी। ये बॉर्डर आपकी अपनी चॉइस है, आप जैसा भी बॉर्डर बनाएं। मैं यूजुअली इस छोटे बच्चों में इस तरह का बॉर्डर बनाना पसंद करती हूँ, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसमें ये कि आपने जो बैक है ना, बैक से ऐसे उठाना है, और जो फ्रंट है वो ऐसे नहीं उठाना, इसको भी बैक से उठाना होता है। ये फिर ऐसे बैक, ये फिर बैक, इसी तरह ये दोनों तरफ उल्टी और सीधी सिलाई। इसी तरह जो सीधा होता है उसको भी ऐसे बैक से बनाते हैं, धागा आगे करके जो उल्टा होता है उसको भी ऐसे बैक से बनाते हैं। इसी तरह ये पूरा बॉर्डर कंप्लीट करते हैं, ओके। और मैंने ये सारा इसी तरह बनाया हुआ है जी, ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और इसको देखते हैं ये कितना हो चुका है। ये तकरीबन ये 1.5 से थोड़ा सा लेस है, अगर आप ऐसे तकरीबन 1.5 इंच की आप कह लें इसका है, ओके। अब आपने ये मेरी राइट साइड थी, ये देखिए ये राइट साइड है, अब ये रॉन्ग साइड है। अब रॉन्ग साइड से मैं ऐसा करने लगी, मैंने बॉर्डर इतना ही बनाना था, ठीक। मेरा डिज़ाइन जो है ना वो हमें उल्टी साइड से पढ़ना शुरू होता है। अब मैंने ये करूँगी कि सीधे सीधे 1-2-3-4-5-6
सात के बाद, दो चार छः सात के बाद मैं एक धागा इधर लाऊंगी और ऐसे एक स्टिच ऐसे बढ़ा लूंगी। वन हो गया, बढ़ा लिया। अब मुझे धागा आगे ले आना है, फिर मुझे 10 और बनानी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। ओके, 10 धागा पीछे लेके गई और एक मैंने ऐसे करके एक स्टिच और बढ़ा लिया, फिर मैं धागा आगे ले आई, फिर 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे किया, फिर मैंने एक ऐसे स्टिच बनाया, बनाने के बाद धागा आगे ले आई, फिर 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। 10 के बाद फिर धागा मैं ऐसे लेके गई, फिर मैंने ऐसे इसको बनाने के बाद फिर धागा आगे और ये 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। 7 ही मेरे स्टार्ट पे थे और 7 ही इधर, और मिडल में मैंने 10-10 के बाद एक एक करके 4 स्टिचेस मेरे बढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये 44 से 48 हो गए हैं। मैंने 44 स्टिचेस डाले, इतना बॉर्डर बनाने के बाद मैंने 7 के उल्टी स्लाइड से 7 के बाद फिर मैंने एक बढ़ा लिया, फिर 10 बनाए, फिर उसके बाद मेरा एक बढ़ गया, ठीक, फिर 10 हुए, उसके बाद मेरा एक बढ़ गया, फिर 10 हुए, सॉरी, और यहाँ मेरा एक और बढ़ गया। ओके, ये देखें 30, 30 and 40, 44, 44, अब ये मेरे टोटल 48 स्टिचेस हो चुके हैं। ठीक, और अब मैं ये राइट साइड पे आ गई हूँ, मैंने रॉन्ग साइड से ऐसे किया था, अब राइट साइड जो है ना ये सारी मैंने उल्टी उल्टी बनानी है। पहला स्टिच तो मैं ऐसे ही उठा लूँगी और फिर उल्टी, यानी कि सारी इसको मैंने पर्ल करके ऐसे बनाना है, ये सारी आप सिलाई उल्टी डाल ले। मैंने सारी उल्टी उल्टी सिलाई डाल ली है। अब आप गौर से देखें, ये डिज़ाइन रॉन्ग साइड से शुरू होता है। ठीक, अब आपने ये करना है, ये स्टिच तो मैंने ऐसे ही उठा लिया, ये मैं ऐसे ही उठा लूँगी। ठीक, ये 2 के मल्टीपल पे बनते हैं, अगले 2 को मैंने ऐसे इकट्ठे उठाया, बनाया, ठीक, बनाने के बाद छोड़ना नहीं है, फिर इधर से मैंने धागा घुमा के लाई, फिर उसको बनाया, बनाने के बाद छोड़ दिया, ये 3 हो गए। 3 के बाद जब मैंने छोड़ा तो मैंने इधर से इसको पिक करना है और ये एक और बना लेना, ये इस तरह 2 के 4 स्टिच हो गए। ओके, अब फिर इसको मैंने ऐसे बनाया, बनाने के बाद धागे को ऐसे घुमाया, फिर इसको बना के मैंने इसको छोड़ दिया और ये वाला जो है इसको मैंने उठा के दोबारा बना लिया, इस तरह ये भी 2 के 4 हो गए। फिर अगले, फिर 2 को मैंने उठाया, फिर ऐसे बनाना, बनाने के बाद फिर मैंने इसको बना लिया और ये यहाँ से उठा के एक दफ़ा, फिर यहाँ भी 2 के 4 हो गए। ओके, फिर अगले 2 मैंने उठाए, इसी तरह ये मुझे सारी सिलाई कंप्लीट करनी है। बनाने के बाद मैंने धागे को नीडल से ऐसे घुमाने के बाद इसको दोबारा बना लेना है और ये वाला उठा के इसको इस तरह, ये सारी सिलाई हमने 2-2 करके इसी तरह कंप्लीट करनी है। अब आप गौर से, मैंने पूरी सिलाई ये इसी तरह कंप्लीट कर ली है, अब आप गौर से देखें। ठीक, अब आपने ये तो मैंने ऐसे ही उठा लिया। ठीक, अब ये जो पहला है ना इसको मैंने उल्टा बनाना है, जो 4 हुए थे ना उनमें से फर्स्ट को मैंने उल्टा बना लिया, धागा पीछे लेके गई और पीछे की साइड से 3 कट्ठे बना लेने हैं ऐसे,
फिर धागा आगे इसका एक बनाया, बनाने के बाद ये जो तीन है इनको मैंने पीछे से एक बना लिया इस तरह। फिर हमारे पास जो चार थे वो दो दो बाकी रह रहे हैं, ठीक। धागा आगे, इसको उल्टा बनाना है, धागा पीछे और इसको तीन को इकट्ठा बना लिया। ये इसी तरह ये पूरी सिलाई एक उल्टा तीनों को सीधा बना लेना है, ये मैंने इसी तरह इसको कंप्लीट करनी है। ओके, ये अब सारी सिलाई आप इसी तरह कंप्लीट कर ले रहे। इस तरह ये पैटर्न हो गया। अब मैं उल्टी सिलाई पे, अब अगली सिलाई मुझे सारी सीधी सीधी डालनी है, ठीक। ये पहले वाला मैं उठा लूँगी ऐसे ही, ये देखो धागा आगे था उल्टी का ऐसे। इस तरह ना ये डॉट बन जाते हैं जो कि काउंट करने में और सिलाई करने में आसान होते हैं। फिर मैंने सारी अब ये सिलाई ऐसे सीधी सीधी करके ख़त्म कर लेनी है। अब ये सारी सीधी डाल लेंगे। ओके, ये देखिए मैंने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली, ये कंप्लीट। अब अगली दो सिलाइयाँ मैंने एक सीधी और एक उल्टी डालनी है इनमें गैप देने के लिए। ये देखें, ये एक पैटर्न हुआ, फिर मैंने दो सिलाइयाँ सीधी उल्टी डाली डिफरेंस गैप देने के लिए, फिर ये दो सिलाइयाँ, फिर दोबारा पैटर्न डालेगा, फिर दो सिलाइयाँ। अब अगली दो सिलाइयाँ एक सीधी और एक उल्टी आप बस सादा सादा जैसे एक सीधी और एक उल्टी वैसे ही डाल लें, ठीक। ये सीधी और फिर रॉन्ग साइड सारी उल्टी बनाते आ सिलाइयाँ मैंने डाल ली हैं, ये देखें। अब फिर पैटर्न रिपीट होने लगा है। उस पैटर्न जब उसकी पैटर्न की पहली रो जो होती है, पहली सिलाई जो है वो हमने उल्टी बनानी है सारी, ऐसे सारी सिलाई इसी तरह पल करके बनानी है उल्टी उल्टी ऐसे। ये सारी आप यहाँ कंप्लीट कर लें। ये राइट साइड है, राइट साइड में पैटर्न की पहली जो रो होगी, पहली सिलाई होगी वो उल्टी होगी। ये मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है अब उसकी रो। अब सेकंड रो में हमने जैसे मैंने आपको बताया था वैसे करना है। इसको मैंने उठाया, ठीक। अगले दो को इकट्ठा बनाने के बाद छोड़ा नहीं, धागा इधर को घुमाने के बाद फिर मैंने ये बना लिया। ओके, और फिर तीन हो गए तीन, और नीचे से उठा के एक और बुन ला लिया चार। दो को मैंने लिया सिलाई के ऐसे धागा राउंड किया, दफ़ा बना लिया एक दफ़ा, फिर ये वाला जो छोड़ने के बाद ये जो फर्स्ट इसको उठाया और बना लिया। दो को मैंने बनाया धागा ऐसे किया, फिर बना निट उसको बना लिया पर्ल करके, फिर इसी तरह ये पूरी सिलाई मैं बनाती चली जाऊंगी। ये मैंने सारी कंप्लीट कर ली है। ये देखिए अब मेरी शुरू होने लगी है थर्ड रो। थर्ड रो को जैसे मैंने आपको पहले भी सिखाया था, इसको वैसे उठा लिया मैंने, उल्टा बनाना है और फिर पीछे से तीन सीधे, उल्टा एक उल्टा तीन सीधे। ये थर्ड रो मुझे सारी इसी तरह कंप्लीट करनी है पैटर्न की। ओके, ये थर्ड रो पैटर्न कंप्लीट हो गई है। फोर्थ रो में हमने सीधा सीधा ही बनाना है। फोर्थ फर्स्ट और फोर्थ रो तो एक उल्टी सीधी ही होगी, दरमियान में बस जो दो रो हैं उसमें डिज़ाइन आता है। ये सारी सिलाई मैंने ऐसे सीधी सीधी बना लेनी है ऐसे। ओके, ये पूरा कंप्लीट कर ले। ये मेरी फोर्थ रो कंप्लीट हो गई है और पैटर्न भी कंप्लीट हो गया। अब अगली दो सिलाइयाँ हम सीधी एंड एक सीधी और एक उल्टी डालेंगे, लेकिन यहाँ पे अब मुझे इधर से एक स्टिच भी बढ़ाना है। जब दो इसका ख़त्म हो जाए, दो पैटर्न ख़त्म हो जाए, तो मैंने पहली दफ़ा एक स्टिच इधर से बढ़ा लूँगी और एक इधर से बढ़ा लूँगी। वो कैसे, जैसे बस इसका बढ़ाने का यही है कि मैं इसको सॉरी उल्टा बनाया, इसको पकड़ के बनाया और धागा पीछे किया और एक छोड़ा और एक दफ़ा और बना लिया, ठीक। और ये पूरी सिलाई मेरी सीधी 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 डलेगी। इसी तरह जब मैं एंड पे आऊँगी तो इनका भी एक का दो कर लूँगी, ठीक। और उल्टी सिलाई तो फिर वैसे ही डलेगी। इस तरह मेरा दोनों साइडों से एक एक स्टिच बढ़ जाएगा। ओके, ये देखें मैंने दो सिलाइयाँ डाल ली हैं और दोनों साइडों से एक एक स्टिच भी बढ़ गया है। इसी तरह अब दोबारा पैटर्न रिपीट होना है और हमने यहाँ पे बताते भी जाने, जैसे यानी मैंने यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा पहला स्टिच यहाँ बढ़ा था दो पैटर्न के बाद, यानी कि बॉर्डर के बाद, यहाँ से 1 2 3 4
वन टू थ्री फोर फाइव के बाद मैंने ये बढ़ाया था बॉर्डर के बाद। अब फिर यहाँ से यहाँ बॉर्डर ऐसे मैंने एक एक ये बढ़ा लिया हुआ है जैसे ये बढ़ा हुआ था दो पैटर्न के बाद। ओके, अब फिर मैंने वन टू थ्री फोर फाइव के बाद एक और बढ़ाया, फाइव जब ये डॉट आ जाएंगे, ये एक डॉट दो सिलाइयाँ होती हैं ठीक है ना, के बाद फिर मैंने ये एक स्टिच बढ़ाया, दो टू टाइम मैंने फाइव फाइव के बढ़ा, एक दफ़ा यहाँ से यहाँ तक फाइव के बाद, यहाँ से यहाँ तक फाइव के बाद बढ़ा ठीक। अब फिर मैंने वन टू थ्री के बाद एक बढ़ा लिया, फिर वन टू थ्री के बाद मेरा एक बढ़ा, फिर वन टू के बाद मेरा एक बढ़ा, उसके बाद फिर वन टू के बाद एक बढ़ा। मैं इसको लिख भी देती हूँ, बताती हूँ, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसने इसको मैंने कैसे बढ़ाए। ये मैंने बॉर्डर बनाया, बॉर्डर के बाद ये देखें ये बॉर्डर था, उसके बाद फिर मैंने वन टू थ्री फोर फाइव के बाद स्टिच बढ़ाया, वो वन टू थ्री फोर फाइव, ये एक दो को होता है, दो सिलाइयों का होता है ठीक। फिर मेरा एक स्टिच बढ़ गया यहाँ पे, फिर वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव के बाद फिर मैंने एक वन टू थ्री फोर, हाँ उसके बाद एक और स्टिच बढ़ा लेना है ऐसे, फिर वन टू थ्री के बाद मुझे एक स्टिच और बढ़ा लेना है, फिर वन टू थ्री के बाद फिर मुझे एक स्टिच और बढ़ा लेना है, फिर वन टू के बाद मुझे एक स्टिच और बढ़ा लेना है, क्योंकि वन टू के बाद फिर मुझे एक स्टिच और बढ़ा लेना है और ये हमारी रिक्वायर्ड लेंथ उस वक्त तक पूरी हो जाएगी। ये वो इसलिए यहाँ से क्यों छोटे होते जाना है, क्योंकि यहाँ से तो नीचे बच्चे की पिंडली होती है और यहाँ थाइस शुरू हो जाती है, तो ये थोड़ा सा बड़ा साइज होना है, इसलिए इनका गैप भी कम होता चला गया। इसी तरह बढ़ाते चले जाएं और साथ साथ पैटर्न तो डलेगा ही। ये देखें ये मैं यहाँ से बढ़ाते बढ़ाते और इसको बनाते बनाते ये इसको यहाँ इसके बराबर तक बना लिया है ठीक। और ये कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन पैटर्न तक ये बने हैं। और इनकी लेंथ कितनी हुई है, ये तकरीबन सेवन इंच इसकी लेंथ हो गई है ठीक है। और ये दोनों दोनों तरफ बढ़ बढ़ के अब ये 44 थे जब मैंने डाले थे, अब ये 60 हो गए हैं और ये भी 60 हो गए हैं ठीक। अब हमने ये करना है कि इन दोनों को ज्वाइन करना है ऐसे इकट्ठे, उसके लिए और ये हमारी ओपन वाली साइड होगी जो कि यहाँ से मैं बटन पट्टी को बनाऊँगी ठीक। इधर मैंने 6 स्टिचेस बढ़ा लेने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, जी ये मैंने यहाँ 6 स्टिच बढ़ा लिए। अब मैं क्या करूँगी, सिंपल उसी तरह ये वाले बटन पट्टी के हैं ये तो मैं सीधे सीधे ही डालूँगी चे, वन इसको ज़रा केयरफुली डालना पड़ेगा ये, क्योंकि ये टू ओके, और बाकी मैं उसी तरह इस दफ़ा अब पैटर्न की मेरा ख़त्म हो गया है। ये देखो अब यहाँ पैटर्न मेरा कंप्लीट हो गया, उसके अंदर की ये दो सिलाइयाँ डालनी हैं, तो अब मैं बाकी सीधी सिलाई डालते डालते यहाँ तक आ जाऊँगी ठीक। अब फिर यहाँ आके यहाँ मैं 4 स्टिचेस बढ़ा लूँगी, जब ये मैंने पूरी सिलाई डाल के यहाँ बढ़ाई है तो यहाँ वन टू थ्री एंड 4 स्टिचेस मैंने डाल लिए। और उसके बाद ये वाला जो मेरा एक दूसरा पार्ट बना हुआ है उसको मैं इसके साथ बनाना शुरू कर दूंगी ऐसे इसके साथ। ये भी सीधी सीधी सिलाई क्योंकि दोनों का सेम पैटर्न ही था। ये मैं अब ये मैं बनाते बनाते यहाँ तक आ जाऊंगी ओके जी। ये मैंने डाल दी यहाँ, फिर मैंने 6 स्टिच बढ़ानी है, वन टू थ्री फोर फाइव एंड 6 ओके। यहाँ भी मैंने 6 बढ़ाए हैं, इस स्टार्ट में भी मिडल में जो जोड़ किया मैंने 4 बढ़ाए हैं और यहाँ भी 6। इसको फिर हमने दोबारा ये पहले 6 तो पट्टी के हैं, इसको मैंने सीधा सीधा बनाना है, बाकी मैं सारी सिलाई उल्टी डालूँगी ठीक। इन 6 को मैं सीधा बनाऊँगी, एंड ये 6
ओके ये 6 मेरे होंगे और बाकी मैं ऐसे उल्टे उल्टे बनाना शुरू कर दूंगी। ये पूरी सिलाई मुझे इसी तरह उल्टी डाल के जब ये बटन पट्टी पे आऊंगी तो ये 6 मुझे सीधे बनाने हैं। ये देखो ये मैंने पूरी उल्टी सिलाई डाल ली है। अब ये देखो ऐसे ये बटन यहाँ पट्टी बनेगी बटन पट्टी और ये ऐसे ये दो लेग्स इसकी ऐसे बन गई हैं। अब उसी तरह ये इसमें पैटर्न को फॉलो करना है। अब कुछ नहीं बढ़ने, हम उसी पैटर्न को लेके ये अब बनाते चले जाएंगे। अभी ये वाले पट्टी के तो मैं 6 वैसे ही डालूंगी, ये पट्टी के वैसे ही डालेंगे और उसके बाद पैटर्न की फर्स्ट जो सिलाई होती है वो मुझे उल्टी डालनी होती है तो वो मैं उल्टी डालूंगी। ये मेरे 1 2 3 4 5 6 ओके अब मैं सारे बाकी उल्टे डाल लूँगी। सारी सिलाई उल्टी डालने के बाद जब मैं वापस आऊँगी तो उसी तरह जैसे मैंने आपको सिखाया है, 2 को हमने 4 बनाना है, ये 2 को लेके फिर 4 स्टिच जैसे बनेंगे, फिर उल्टी सिलाई पे फिर वो 2 रह जाएंगे, इसी तरह इसको बनाते चले जाएँ। मैंने ये देखें यहाँ के बाद यहाँ सारा बनाते बनाते इतना बना लिया है। इसको अगर हम ऐसे फोल्ड करेंगे ऐसे, ये देखें ये और ये बटन होल भी मैंने साथ साथ बनाए हैं, वो कितने गैप पे बनाए हैं मैं अभी आपको बताऊंगी। और ये देखिए ये हमारी यहाँ से रिक्वायर लेंथ पूरी हो गई है। यहाँ से हम आप शोल्डर की स्लीव्स के लिए कटिंग करेंगे। कितने टोटल इसकी लेंथ यहाँ तक हो चुकी है, तकरीबन 16.5 इंच आप कह लें, 16.5 इंच तक ये लंबा हो गया है। ठीक है, और ये पैटर्न कितने टाइम रिपीट हुआ है हम ये भी देख लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 and 23 टाइम ये पैटर्न रिपीट हो चुका है। ठीक है, अब ये है कि मैंने इधर मार्क कर लिए है, ये मेरा एक फ्रंट पैनल होगा, ये बैक होगी और ये दूसरा फ्रंट होगा। ठीक, और यहाँ मैंने 37 रखे हैं, ये मेरे 37 हैं, ये 62 है 62 और फिर ये 37, यानी कि टोटल ये 37 प्लस 62 प्लस 37, इस तरह ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हैं। ठीक, अब हम यहाँ से सेपरेट सेपरेट बनाएंगे। ठीक, यहाँ जी अब मैंने एक सिलाई पूरी पैटर्न मेरा कंप्लीट होने के बाद मैंने एक सीधी सिलाई डालते डालते धागा मेरा इस साइड पे आ गया हुआ, ये देखिए। ठीक, अब मैं यहाँ से यहाँ तक सेपरेट हम बनाना शुरू करेंगे फ्रंट एक पैनल। उसके लिए मैं पहली तो ये सीधा सीधा पट्टी के 6 बनाऊंगी, ये 2 3 4 5 6, उसके बाद ये पैटर्न के हिसाब से ये वाली मेरी सिलाई अब उल्टी डलनी है। ओके, ये मैंने यहाँ तक बना लिया है। ठीक, और ये मेरा मार्क उतर गया। अब हम यहीं से रिटर्न हो जाएंगे और यहाँ पे मैं स्लीव्स के लिए 2 स्टिच कम कर दूंगी, 2 स्टिच को बंद कर दूंगी, यानी कि मैं एक ऐसे बनाऊंगी और ये बनाने के बाद इसको ऐसे बंद कर दिया। ओके, फिर मैंने ऐसे 2 बने बंद कर दिए, बाकी मुझे उसी तरह जो जैसे मैंने पैटर्न सिखाया ये पैटर्न के लिए अब मुझे उल्टा बनाना है यहाँ तक, क्योंकि पैटर्न हमेशा रॉन्ग सिलाई से ये बनना शुरू होता है। ये उल्टी सिलाई पहले बस ऐसे ही मुझे उल्टी उल्टी बनाते यहाँ तक, यहाँ पर 6 मैं सीधे बनाऊंगी पट्टी के और इसको ख़त्म करती हूँ। मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मैं जो आपको बात ये समझाना चाह रही हूँ कि अब रॉन्ग साइड से जब हम पैटर्न डालना शुरू करेंगे तो एकदम से ये पैटर्न का गैप ज़्यादा आ जाता है। अगर मैं इसी तरह 1-1 करके डालूंगी तो इसने ऐसे आपस में टाइट हो जाना था, ये ऐसे खिंची होनी थी, इस तरह रिलैक्स नहीं होनी थी डिज़ाइन के साथ साथ। उसका हल मैंने ये निकाला कि जब जब मैंने पैटर्न स्टार्ट किया तो ये जो पट्टी के 6 हैं ये एक दफ़ा मैंने एक्स्ट्रा बना लिए। वो कैसे, ये देखे 1 2 ऐसे 3 4 5 6 बनाने के बाद मैं यहीं से रिटर्न हो गई। यहाँ से रिटर्न होने के बाद मैंने एक दफ़ा पट्टी दोबारा एक्स्ट्रा बना ली, 2
एंड 6 ओके। अब एक दफा अब हमने पूरी रो कंप्लीट करनी है। इस तरह एक दफा एक्स्ट्रा बनने पे ये उसकी अपनी ही रिलैक्स फॉर्म में डिजाइन के साथ साथ पट्टी अच्छी बनी है। ये देखिए ये मेरी पूरी पट्टी हो गई। अब मैं धागा आगे करके अब इस तरह डिजाइन को साथ लेके चलना, जैसे कि मैंने सिखाया था कि दो को हमने ऐसे बनाना है, फिर मुझे ऐसे किया, फिर ऐसे और यहाँ से उठा के एक बना लिया ओके। फिर दो ऐसे ये मैंने यहाँ से बना लिया तो दो के चार हो गए। इसी तरह मैंने ये यहाँ तक बनाना है। ये मैंने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब अगली सिलाई पर जैसे मैंने आपको पैटर्न सिखाया हुआ है ये उल्टा बनना होता है, फिर तीन को सीधे बना लेने होते हैं, एक उल्टा तीन। लेकिन अब यहाँ पे हमने एक कम भी करना है, पहले हमने दो कम किए थे, अब एक कम करना है ना स्लीव के लिए। तो हम ऐसा करेंगे कि ये पहले दो हम इकट्ठे एक ही बना लेंगे ठीक। मैंने दो को इकट्ठे बना लिया और ये मेरे तीन सीधे हो जाए, सीधे बन जाएंगे। फिर धागा मैंने आगे किया, फिर तीन सीधे, फिर धागा आगे ऐसे सीधे। इसी तरह मैं ये पूरी सिलाई डालूंगी डाल के, तो फिर मैं वापस वो जब यहाँ आऊंगी तो फिर यहाँ मैं एक और कम करूंगी। मैंने डालने के बाद सीधी सिलाई डाल ली है, अब फिर हम यहाँ पे आ जाऊँ, यहाँ फिर मुझे एक कम करना है। पहले मैंने दो कम किए थे, फिर एक कम किया, अब ये टोटल जहाँ मेरे फोर की कटिंग हो चुकी है और ये मेरी यहाँ पे दो सिलाइयाँ जो दो पैटर्न के दरमियान एक सीधी और एक उल्टी वो डलनी है। इसी तरह मैं इसको आगे कैरी ऑन करती हूँ। ये करने के बाद मैंने यहाँ पे एक और कम करके सिलाई यहाँ तक कंप्लीट कर ली है। अब कितने दो, यहाँ दो बड़े, तीन चार पांच मेरे स्टिचेस यहाँ पे शोल्डर के स्लीव्स के लिए कम हो चुके हैं। अब यहाँ पे फिर पैटर्न डालना है इस साइड से। उसके लिए जो मैंने बताया जब जब आप पैटर्न डालो तो एक दफ़ा ये पट्टी के छह जो स्टिचेस हैं वो एक्स्ट्रा बना लो। 2, 3, 4, 5 and 6 यहीं से रिटर्न हो जाओ ओके। होने के बाद ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ओके ये हो गए दो चज। अब फिर हमने वो पैटर्न डालना शुरू करना है। जब जब आप पैटर्न ऐसे स्टार्ट करने लगो तो एक दफ़ा पट्टी को बस एक्स्ट्रा बना लिया करो। ये हो गया। अब आगे करके फिर ऐसे दो के साथ पैटर्न दो बनाया, इसी तरह आप इसको कंप्लीट कर ले। ये देखें मेरी शोल्डर की कटिंग होगी। यहाँ मैंने 8 स्टिच कम किए, दो यहाँ कम किए, फिर 1 ऐसे करके 6 टाइम यहाँ कम किए, टोटल 8 मेरे यहाँ पे स्टिचेस कम हो गए। और उसके बाद इसको मैंने वैसे ही बनाना शुरू कर दिया। और यहाँ से शोल्डर ये स्लीव की कटिंग से 1, 2, 3, 4, 5 पैटर्न तक ये बन गया है। बनने के बाद धागा अभी इधर आ गया। अब मैं यहाँ से नेक के लिए मैं गले के लिए कटाई शुरू करूँगी ठीक है। उसके ये 6 पट्टी के मैं बंद नहीं करूँगी क्योंकि इसी से फिर हम गले के बटन उठा के तो शुरू कर लेंगे। अभी मैं सिर्फ ये 6 बनाऊँगी, 3, 4, 5, 6 मैंने बना लिए। उसके बाद अब मैं यहाँ से 3 काम करूँगी ओके। 1, 2 and 3 करने के बाद बाकी सिलाई मैं सारी उसी तरह डाल लूँगी ओके। उल्टी उल्टी ये मैंने कंप्लीट करने के बाद यहाँ भी उल्टी उल्टी सिलाई यहाँ तक डाल ली। अब ये जो 6 पट्टी के हैं मैं ये इस सेफ्टी पिन में डाल लेती हूँ। ये बाद में जब हम गले के लिए नेक के लिए बट स्टिचेस उठाएंगे तो इनको हम ऐसे ही साथ में ऐड कर लेंगे ओके। मैंने 3 कम किया, अब मैं 2 कम करूँगी और फिर सारे बना लूँगी, फिर वन ऐसे करके मैं इसको कटिंग करती हूँ। ये देखिए ये मैंने इसको कम करके इसको बंद कर लिया। पहले मैंने 3 कम किए, फिर 2 किए,
फिर 1 2 3 4 टाइम मैंने 1 1 कम किया और उसके बाद ये बनाने के बाद ये मैंने बंद कर दिया। यहाँ टोटल मेरे 14 स्टिच बकाया रह गए थे और यहाँ से जहाँ से हमने स्लीव्स की कटिंग शुरू की थी वहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पैटर्न के बाद ये बंद हुआ और 1 2 3 4 5 के बाद ये नेक की कटिंग शुरू हुई। 5 पैटर्न के बाद नेक की कटिंग शुरू हुई और 9 के बाद ये टोटल बंद हो गया। मैं आपको लिख भी देती हूँ, जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये मेरी स्लीव थी, स्लीव पे पहले मैंने 2 कम किए, फिर 1 1 करके मैंने 2 3 4 5 6 7 8 कम हुए। ओके, ये मैंने स्लीव के लिए कम किया और ये मेरे 14 स्टिच ये वाले रिमेनिंग रह गए हुए हैं। ओके, और यहाँ मेरे ये 6 बटन पट्टी के मैंने वैसे ही उठा लिए, उसके बाद फिर मैंने 3 कम किए, फिर 1 2 कम किया, फिर 1 2 3 एंड 4 टाइम मैंने उस इसके कम करने के बाद इसको बंद कर दिया। ओके, उसके बाद 4 टाइम के बाद 1 2 3 4 सिलाइयाँ डाली और ये बंद हो गया। इस तरह ये मेरे एक फ्रंट पैनल की ये पूरी शेप बन गई है। अब इसी तरह ये मैं दूसरी साइड का पैनल भी इसी तरह ये बटन पट्टी के साथ इसको ऐसे कंप्लीट कर लूँगी। ओके, और बाद में हम इसका बैक बनाएंगे इसको कंप्लीट करने के बाद। लेकिन इसमें ये कि हर 12 के बाद उसी तरह हर जब पैटर्न स्टार्ट होगा तो आपने एक दफ़ा ये पट्टी एक्स्ट्रा बनानी है। ओके, और हर 3 के बाद जब 3 पैटर्न होंगे, देखो यहाँ मैंने बनाया 1 2 3 पैटर्न के बाद फिर मैंने ये बना लिया, एवरी थ्री यहाँ होल बना बटन, फिर 1 2 3 के बाद एक होल बन गया, 1 2 3 के बाद एक होल बन गया, एवरी 3 पैटर्न के बाद मैंने एक एक होल बनाया है और एवरी पैटर्न के स्टार्ट पे एक दफ़ा मैंने बटन पट्टी एक्स्ट्रा भी बनाई है। और ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के बाद ये बटन होल बनते आ रहे हैं। ओके, पहला बटन होल मैंने 2 के बाद बनाया था, 2 पैटर्न के बाद, और उसके बाद मैं एवरी 3 के बाद ये बटन होल बनाती चली जा रही हूँ। चले आप इसको कंप्लीट करें, मैं भी ये देखें, मैंने इस साइड पे भी इसी तरह कटिंग करते करते पूरा स्लीव की कटिंग करते करते यहाँ फिर नेक उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया था वो कम करके इसको भी फिनिश कर लिया है। इसका मैंने जैसे आपको ये देखें ये बताया था ना, यहाँ से मैंने 8 कम किए और फिर इसी तरह 3 2 1 1 करके 4 टाइम कम करके इसको बंद कर दिया। ओके, अब फिर आ गई बैक। बैक पे जैसे मैंने बताया था मेरे पास यहाँ 62 स्टिचेस थे ये दोनों स्टिच, इसी तरह मैंने उसको इनको भी 8 हट करके ये मैंने पहले 2 कम किए, फिर 1 1 1 1 करते करते 8 इधर से कम किए, 8 ही मैंने इधर से कम किए करते हुए इसको सीधा सीधा बनाती चली गई यहाँ तक। अब यहाँ से मुझे बैक के लिए नेक के लिए कटिंग करनी है। उस जैसे ये 1 2 3 4 5 6 पैटर्न तक, यहाँ से मैंने 1 2 3 4 5 6 पैटर्न तक बनाया है। यहाँ जब मैंने गले की कटिंग शुरू की थी तो 5 पैटर्न तक थी, 1 2 3 4 5 के बाद की थी, अब ये 6 पैटर्न हो गया। 6 पैटर्न तक बनाने के बाद मैं इसको कटिंग करने, ऐसा है कि हम मैंने जैसे ये बताया था ये मेरे पास 14 स्टिच थे 14। ओके, इसमें भी 14 मैं इधर रखूंगी, 14 ही इधर रखूंगी मिडल में से कटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 7 इधर से, 1 2 3 4 5 6 7 इधर से। अब जो मिडल के ये स्टिच है ये मुझे कट करने हैं, वो कैसे करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 स्टिचेस को मुझे कम करना है। वो मैं ऐसे कम करूँगी कि मैं 10 स्टिचेस 2 4 इधर रख लूँगी, 2 4 ये, और मिडल के जो 10 है 1 2 3 4 ये जो 10 है ना 1 2 3 4 इनको मैं सबसे पहले कट करूँगी, फिर मैं 2 कट करूँगी, फिर मैं 1 1 अभी तो ये मैं पूरी सिलाई इसी तरह डालने लगी हूँ, अभी तो ये मैं एक सिलाई इसी तरह डाल के नेक्स्ट सिलाई पे मैं इसको कटिंग करती हूँ। अभी तो मैं ये पूरी सिलाई सीधी सीधी वैसे ही डालूँगी। अभी मैंने वो सिलाई डालने के बाद अब उल्टी साइड पे मैंने 14 मैंने ये बनाए हैं जो कि मेरे एंड पे इस तरह बचेंगे। ठीक,
ये वाले बच जाएंगे। अब उसके बाद मैंने चार स्टिचेस में 1, 2, 3 and 4 स्टिचेस मैंने और बना लिए, जो कि मैं बाद में आस्ता आस्ता कम करूँगी। अब इसके बाद मुझे 10 स्टिचेस को कम करना, कट करना है। जैसे एक, ये मेरा एक हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, ये मेरे 10 हो गए। अब ये पूरी सिलाई मैं इसी तरह उल्टी उल्टी डाल लेती हूँ। अब जो है पैटर्न के हिसाब से मेरी अगली सिलाई भी उल्टी डालनी है, ये वाली भी, क्योंकि मुझे नेक्स्ट सिलाई पे पैटर्न भी डालना है। ठीक है, अब मैं यहीं से इधर से 2 कम करूंगी। ठीक है, इधर से मैं ऐसे 2 कम करूंगी, 1 and 2 कम कर लिए। बाकी मुझे वो जो पैटर्न के हिसाब से जैसे मुझे बनाना है ऐसे, ये पूरी सिलाई फिर मैं इस तरह कंप्लीट करूंगी। ये देखिए, ये मैंने इसके बाद 2 दफ़ा कट किया, फिर 1 किया, फिर 1 कट किया, उसके बाद ये बनाने के बाद मैंने इसको बंद कर लिया। ओके, 1, 1, 2 और ये सारे पैटर्न उतने ही हो गए जितने के फ्रंट के थे। ये देखें, ये देखें, ये ऐसे हो गया। ठीक है, ऐसे बन गया। अब इसी तरह मैं यहाँ अभी 2 कम करूँगी, फिर 1 और इसको कंप्लीट करने के बाद इसको बंद कर दूँगी और ये दोनों ये इधर से आपस में हम सी लेंगे। जी ये देखें, ये मैंने उसको बनाने, इसको बनाने के बाद ये यहाँ शोल्डर सी लिया और अब मेरा नेक है। हम यहाँ नेक के लिए अब यहाँ से स्टिचेस उठाएंगे। ये जो मैंने 6 स्टिच छोड़े थे इसको तो मैं वैसे ही उसके अंदर डाल लेती हूँ। 6, ओके। अब यहाँ से हमने ये मैंने बना धागे को रिलैक्स हालत में देखने हैं कि यहाँ तक हमारे कितने उठाए जाते हैं जो हमने सिए हैं। यहाँ से मैं धागे को ऐड करूँगी यहाँ इसके साथ। ये हो गए 6 तो मेरे ये हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और यहाँ 20। ये मेरे यहाँ से 20 उठाए गए हैं इस साइड से। ओके, अब मैं 20 ही दूसरी साइड से उठाऊंगी। ये मेरे यहाँ से 20 उठाए गए हैं, मैं 20 ही इस साइड से उठाऊंगी और पीछे से हम देखते हैं हमारे कितने उठते हैं। ये जो सिया है यहाँ पे, यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह
13 14 ओहो 14 और यहाँ से 15 16 17 18 19 20 21 22 ये 22 यहाँ हुए हैं ओके 20 मैंने यहाँ उठाए 22 यहाँ हुए अब 20 ही मैं यहाँ तक उठाऊंगी जी ये मैंने 14 यहाँ स्टिच उठा लिए हैं 14 और यहाँ जो 6 थे मैं इसके अंदर ऐसे परोलूंगी यस परोने के बाद फिर मैं ये इसको बनाना ऐसे इसको 6 ये हो गए तो 20 ऐसे हो गए 62 टोटल मेरे 62 स्टिच हो गए हैं मैं यही चाह रही थी कि 60 के करीब करीब बन जाए ओके गला अब मैं इसको सीधा सीधा 60 से 62 या 58 ऐसे दो एक दो से ऊपर नीचे हो जाए कम उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब मैं इसको बस सीधी सीधी सिलाइयाँ डालना शुरू कर दूँगी दोनों तरफ से ये भी सीधी और इस साइड से भी सीधी सीधी ये मैंने 5 ऐसे इसी तरह सीधा सीधा बनाते हुए 1 2 3 4 5 इसको बंद कर लिया है और ये मेरा नेक रेडी हो गया और साथ ही मैंने इसके बटन भी लगा लिए हैं ये देखिए ऐसे ये छोटा सा मेरा नेक रेडी हो गया ये देखिए इसी तरह ये मैंने सारे बटन लगा लिए हैं और इनको भी आपस में सी लिया है ये और ये मेरी ऑलमोस्ट सारा बॉडी सूट कंप्लीट हो गया सिर्फ इसके बाजू रह गए हैं बाजुओं के लिए मैंने क्या किया है ये मैंने 38 स्टिचेस डाल के इसका बॉर्डर बना लिया है जी ये मैंने 38 स्टिच डाल के इसका बॉर्डर बनाना ऐसे शुरू कर दिया है इसकी एक स्लीव्स मैंने ये देखे बना के रखी हुई है आपको दिखाने के लिए ये ऐसे जैसे यहाँ अब मैं डिज़ाइन शुरू करने वाली हूँ ये मैंने बॉर्डर बना लिया डिज़ाइन हम ये रॉन्ग साइड पे हैं मैंने सीधी टाइप पे ऐसे बॉर्डर बनाया हुआ ये मैं रॉन्ग साइड पे हूँ अब यहाँ से मैं डिज़ाइन बनाऊँगी या मैं सारी सिलाई उल्टी उल्टी डाल लूँगी डाल लिया अब नेक्स्ट सिलाई भी हमने उल्टी ही डालनी है क्योंकि ये हमारा डिज़ाइन रॉन्ग साइड से स्टार्ट होता है जैसे मैं पहले आपको सिखा चुकी हूँ ये हम यहाँ भी ये भी रॉन्ग साइड ऐसे बनाएंगे ठीक अब हम रॉन्ग साइड से ऐसे इसका डिज़ाइन डालना शुरू कर देंगे जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया है ऐसे इन दो को उठाऊंगी ऐसे मैंने इसको किया ऐसे ओके ये पूरी रो हमने इसी तरह इसकी कंप्लीट कर लेनी है या पूरी रो यहाँ तक ऐसे ही बना ले मैंने पूरी रो कंप्लीट कर ली है अब अगली रो है जब स्टार्ट होने लगेगी तो यहाँ मुझे एक स्टिच बढ़ाना है वो कैसे मैंने इसको एक बनाने के बाद छोड़ा नहीं धागा पीछे करके एक दफ़ा फिर बना लिया तो ये मेरे यहाँ एक के दो हो गए बाकी रो सारी उसी तरह मैं डालूँगी एक उल्टा 3 का मैं एक बना लूँगी ये उल्टा बनाते बनाते जब एंड पे आऊँगी मैं जब यहाँ आऊँगी तो यहाँ भी मैं एक के दो कर लूँगी जी मैं अब इसको एंड पे आ गई हूँ और यहाँ भी मैं एक के ऐसे दो कर लूँगी ठीक अब बाकी मैंने उसी तरह हिसाब से था जब मैं पैटर्न के इस सिलाई पे आऊँगी हर दफ़ा मैं दोनों साइडों से एक एक बढ़ा लूँगी जैसे ये मैंने बढ़ाया है ये देखो यहाँ मैंने एक बढ़ाया उसके बाद मैं क्या करूँगी
एक सिलाई डालूंगी, दूसरी सिलाई डालूंगी, तीसरी डालूंगी, चौथी डालूंगी, फिफ्थ, जब मेरी सिक्स सिलाई स्टार्ट होने लगेगी तो फिर ये एक दफ़ा और बढ़ जाएगा। इसी तरह हर यहाँ मैंने बढ़ाया, हर पैटर्न के इस वाली रो पे मैंने ये एक एक दोनों यहाँ बढ़ाया, यहाँ बढ़ाया, यहाँ हर दो दो के बाद बढ़ा, एक ये दो, एक दो सिलाइयों को प्रेजेंट करता है, एक दो के बाद ये बढ़ा, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते मैंने अप टू 1 2 3 4 5 6 7 8 रो तक, 8 डिज़ाइन तक इसको ऐसे बढ़ाया है। ठीक है जी, ये देखें मैंने इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 पैटर्न तक रिपीट करते करते बना लिया है। और हर दफ़ा जब इस पैटर्न पे यहाँ मैंने एक एक स्टिच भी बढ़ाया है, ये मैंने 38 लिए थे तो अब ये 54 स्टिचेस हो चुके हैं। अब ये कि हम इनके इसकी कटिंग शुरू करेंगे, वो कैसे करेंगे, पहले हम थीन कम करेंगे, फिर टू, फिर टू, फिर टू, ऐसे करते करते एक दफ़ा तीन, फिर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दफ़ा टू टू कम करेंगे, कट करेंगे, और इस इतने मेरे रिमेनिंग रह जाएंगे और ये स्लीव ऐसे रेडी हो जाएगा। एक दफ़ा बस इधर से जब तीन कम करेंगे, फिर वापसी पे इधर करेंगे, इधर से करेंगे, बस इसी तरह इसकी हम कटिंग करते चले जाएंगे। इनको कटिंग करने के बाद फिर मैं इस स्लीव्स को ऐसे ऐसे रखने के बाद ये देखें ऐसे ऐसे सिलूंगी और ये स्लीव मेरी सिल जाएगी और ये मेरा पूरा बॉडी सूट तैयार हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये एफर्ट लाइक हुई होगी। अगर लाइक हुई है तो वो मेरे लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं याद रहे आपको उसके लिए ये स्लीव के लिंक भी देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी मेरी बहनें मेरी लैंग्वेज भी नहीं समझती तो उनके लिए ये सहूलत होगी। ये स्लीव की कटिंग जैसे अब मैंने ये बना लिया ना, यहाँ तक ये मैंने 38 स्टिच डाले थे और यहाँ तक ये अब 54 हो चुके हैं। ओके, अब मुझे पहले 1 2 3 कम करने हैं, 3 इधर से भी 1 2 3 कम करने हैं, 3 फिर मुझे 1 2 करने हैं, इधर से भी 1 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 and 8 टाइम इसको कम करना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एक दफ़ा हम दोबारा चेक कर लेते हैं। ये मैंने 3 कम किए थे, 1 2 3 4 5 6 7 and 8 8 के बाद इसको अब से सारा कट कर देंगे। इसी तरह इधर भी ये कट कम करके ये रिमेनिंग फिर हम सारे बंद कर देंगे और ये हमारा स्लीव्स इस तरह रेडी हो जाएगा और आप इसको स्टिच कर लेना। ओके, अब तक के लिए इजाज़त दे, ज़िंदगी रही तो किसी और प्रोजेक्ट के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।